Nothing good, not every day. हाँ छोड़ दो इसका। जागरण करवाया तुमने माता का? हाँ, माता का जागरण कर। दस नंबर? ग्यारह नंबर का। ये माता आती है जिसमें सवारी लेते हैं? कभी कभी वैसे सवारी थोड़ा कभी कभी असर सा होता है। तुम पे ये पहले भी कंपन हुई थी? पहले कभी कंपन हुई पूजा करते समय? नहीं, कभी नहीं। आज यहाँ पे पहली बार हो रही। हेलो माता, अच्छी शक्ति है, बुरी शक्ति है। खबरदार माँ भगवती बच्ची के सर में नहीं लेनी सवारी। खबरदार माँ बैठी है, माँ के सर में आ, बच्ची के सर में नहीं। बच्ची है ये, क्यों कर रही छल? इस कन्या में आने का क्या मतलब तेरा? इसमें नहीं आएगी। माँ बैठी है, मम्मी पे आ। बाबू तुम क्यों खड़े हो तुम लोग? फिर कब घर जाके कुछ हो जाएगा, फिर क्या करोगे? यहाँ पे माँ भगवती के साथ बयाल चलती है, 52 रुपया ये माँ भगवती, भूत प्रेत अक्षदीप सब माँ भगवती के साथ चलते है। क्यों कर रही है ऐसे? बाल बाल ले, इसमें नहीं आएगी। खबरदार अब ठीक है बाबू? पूजा पाठ करती है? ज्यादा मत किया कर, ठीक है? हाँ, कभी कभी कर ले। बाल खुले तो नहीं रखती? खुले सर से सब पूजा करती है क्या? नहीं, मैं हमेशा चोटी बांधती हूँ। चोटी बांधती नहीं, सर में एक पल्ला रहता है, कुछ रहता है? हाँ, तो बस जब भी पूजा करते हैं सर में वो रखा करो, चुन्नी रखा करो, कपड़ा रखा करो या कुछ बांध दिया करो। खुले सर जो पूजा करेगा, बाल खोल के जो पूजा करेगा, माँ भगवती की सवारी का तुम लोगों के भूत प्रेत की भी सवारी आएगी, क्योंकि माँ 52 रूपी है, उसके साथ सब चलते हैं, भूत प्रेत अक्ष दीप गंधर्व सब, सबकी मालकिन है वो। पूजा का नियम है सर को ढक के करनी चाहिए, चाहे वो जेंट्स करे, चाहे वो लेडीज करे, चाहे वो बच्चा क्यों ना कर रहा हो। एक अलग कपड़ा पूजा का अपना रखो, कि जो पूजा करेगा वो कपड़ा बांधेगा। समझ रहे हो बात को? जो भी करता है फिर ना बोलना कि हमारे सर में कंपन हो रही है, सर दर्द हो रहा है, ये हो रहा वो हो रहा, इसीलिए होता है। कोई भी पूजा करता है सर ढक के किया करो। उपाय इसका एक ही है, पूजा करेगी तो सर ढक के करना है। पूजा कर, कोई बात नहीं, लेकिन सर ढक के किया करो। कपड़े का कुछ नहीं है, दे दिया मैंने इसको गंगा जल मंत्र के, दे दिया है, शुद्धि कर दिया है। मेरी जिम्मेवारी है बाबू ये, ठीक है? ये मेरी जिम्मेवारी है, कल आके इसको धागा बनवा ले, कोई बात नहीं, ये मेरा मेरा वचन है, तेरे को कुछ नहीं होगा। कल आ जा 10 बजे आ, कल आ जा, लेके आना, धागा बनवा ले बच्ची पे, कुछ नहीं होगा, ठीक है? बाकी तेरा सब ठीक था? मूर्ति रखी हुई तूने माता की?
अभी रखी है पहले की रखी है जागरण में मूर्ति रखवाई बड़ी मूर्ति है कोई बात पता नहीं मेरे को तो नहीं पता मैं उनकी बहन बोल रहा ये पांच पांच दाने खाने हैं ये दाने खाके तुम्हारी बीमारियां करती है लेकिन ऐसा नहीं कि तुम आज खाए तो अच्छा, हाँ, आज ही कट जाएंगी धीरे धीरे करती है जितने भी चावल है बच्चों को सबको दिया करो माँ भगवती का नाम लेके बड़ी सी बीमारी करती है बड़ी से बड़ी बीमारी करती है चावल खाके लेकिन नियम होना चाहिए खाने का सभी को दो माँ भगवती के प्रिय चावल ही होते हैं चावल में ही संकट काटती है माँ भगवती को दे नाम बता बच्चे ठीक है ठीक है पति का नाम हाँ जी कहाँ से हो अब तो हरिद्वार से वैसे तो गांव से बोला हरिद्वार में रहते हो बाकी तो मैं बताऊंगी तुम्हें जितना पूछा बच्चे उतना बताऊंगी हरिद्वार में रहते हो पति का नाम क्या है प्रदीप कश्यप आपका नाम कुसुम कश्यप बच्चे हैं बच्चों का नाम भी लगेगा बच्चे बड़े लड़के का नाम राहुल कश्यप है हाँ बड़ी लड़की का नाम दोनी कश्यप है और छोटी का पिंकी कश्यप पहले गांव तुम्हारा कहाँ था ये छकड़ा बल्लू राम जी ये विवाद के चलते छोड़ो तुमने घर विवाद था तुम्हारा घर में माता बता रही है मार पिटाई भी हुई थी पति के साथ नहीं पति के साथ तुम्हारे साथ नहीं मार पिटाई किसके साथ मार पिटाई ऐसे हुई तुम्हारा दिख रहा ना आस पास से दिक्कत नहीं ना तो तुम वहां से आके यहाँ बस गए यहाँ भी तो तुम ठीक नहीं हो बच्चा शरीर में कष्ट किसको है मुझे ज्यादा है पति को भी रहता है हाँ पति को भी तो रहता है क्या करते तुम्हारा पीते हैं कभी कभी बरकत नहीं है घर में यहाँ किराए पे हो बरकत नहीं है बच्चे तुम्हारे घर में काम भी तुम्हारा कभी बढ़िया चलता है कभी रुक जाता है काम तुम्हारा बंधा हुआ है पति को लाओ कल लाओ 10 बजे काम खुलवाओ अपना ठीक है कभी काम बढ़िया चलता है कभी ठप हो जाता है कभी तुम देखते ही रहते हैं पति की सवारी आएगी कुछ नहीं आती सत्य बोला ऐसा ही होता है ठीक है तो सबसे पहले काम खुलवाओ तुम्हारे दोस्त के ऐसे अपने ही दोस्त हैं और दुश्मन है जिसने इसका काम बांधा हुआ आदमी है समझ रहे बात को आदमी है जिसने काम तुम्हें भी सर में दर्द रहता है ये पैर में दर्द किसके होता है लड़की है तुम्हारी पैर में दर्द होता है कब से पैर में दर्द जिसके होता है छोटी है इसके पैर में कुछ घाव सा है क्या नहीं घाव नहीं है पहले हुआ था नहीं पहले दिन चोट फटाक तो कुछ नहीं था दर्द होता है तो चीज आती है तो वही तो बोल रही हूँ पैर में कुछ दिक्कत बता रही माँ भगवती इसकी इसको लाओ मेरे पास बेटी को मेरे पास लाना और पति को भी लाना कल लिया ठीक है और श्रीफल लाना सूखा श्रीफल होता है ना उसको लाना काम सूखा श्रीफल और सफेद धागा सूती धागा होता है ना सफेद धागा और पति को और इस लड़की को तुम्हारी दिक्कत दिख रही है तेरे भी कमर में दर्द होता है हाथ पैरों में दर्द होता है कमर में दर्द होता है ठीक है और ये सीने में जलन होती तेरे या दर्द होता है सीने में यहाँ भी तेरी कोई औरत से विवाद हुआ औरत से याद कर कल ऐसा करना घर की मिट्टी लाना मेरे पास कल तेरा उपाय कर दूंगी ले तेरा काम का तेरा सबसे ज्यादा दिक्कत दिख रही है